अधूरी बात है। सभी राजनेता ट्रेलर का भी प्रीमियर है। अरे मागे और बंधू 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 त्या बाजूला जाना म्हणजे पाठ येते तुम्ही त्या बाजूला कॅमेरा मागे घे ना राजा पुढे अरे प्रोड्युसर आहे म्हणून तुला गेलं पाहिजे पाहिजे सर सब पीछे आओ थोड़ा बैक साइड सब पीछे जाओ पीछे जाके लो थोड़ा बैक साइड हो जाओ पीछे जाके लो नहीं तो मैं ही मिलूं आप मोबाइल वाले बहुत परेशान काम छोड़ दे रहे हैं मोबाइल से प्रॉब्लम है घर जा अपने और हम ऐसे ही करने वाले आ जाने पाओगे वाले
सरका मधलं फोटो करिए ना साहेब नाही झालं इकडे इकडे साहेब अरे दादा हट ना अरे दादा खाली बस ना हो भाई खाली बस साहेब साहेब इकडे साहेब नवाब भाई नवाब भाई मोबाईल ए मोबाईल अरे दादा मोबाईल काढ गया तिकडे 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 मी बॅरिकेडच्या मागे असून लोक समोर गेला बॅरिकेडचा अर्थ काय जो उस चरित्र जो इतना लेजेंडरी किरदार थे
उनके साथ में वो इंसाफ नहीं कर पाए, तो इस ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। तो किस तरह से ये कितना न्याय दे पाएगी और ये इस चैलेंज एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी शुरुआत का, जो सीखने क्या होता है पता नहीं, लेकिन हम लोग बहुत एक रियलिज्म को पकड़ के हम लोग चल रहे थे। उनका जैसे ने बोल दिया था कि दो पॉलिटिशियन की भरोसा की होने के बावजूद उन्होंने कभी भी कैमरा के लिए पोज करना पसंद नहीं किया, उन्होंने हमेशा एक तब उनका एक होमली और जो जो उनकी पर्सनालिटी थी उन पर कोई ऐसा असर नहीं हुआ। शी वाज स्टिल द बेस्ट होस्ट। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जब भी कोई माधुर्श्री में गए तो माँ साहब वाज द फर्स्ट पर्सन जो खुद अपने हाथ से खाना परोसती थी, और ये मैंने अपने एक अंकल से सुना जो को इंसिडेंटली समहाउ हैपेंड टू रीच देयर। तो आई वाज लाइक ओके देन वी हैव गॉट द रोल एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये करके एक एक महासाहब की एक पर्सनैलिटी को पर्दे पर उतारना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मराठी में एक टू कम अक्रॉस द रेट्रो लुक द पीरियड लुक। मोस्ट ऑफ द फिल्म विल बी इन ब्लैक एंड वाइट, ये पहली बार हम ऐसे देख रहे हैं, तो या वेरी एक्साइटेड, लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम्स इन द फिल्म। सर संजय राउत सर का प्रश्न है सर, एक सर पति दूर गेले जाणार का काय मध्यम मार्ग काय उद्धव सर एक प्रश्न तुमच्यासाठी, सिनेमाचा ट्रेलर बघितला, ट्रेलर मध्ये एक गोष्ट प्रसन्न करायला हवी की सेंसर बाबरी सेंटर में रश्मी काय ठाकरे रश्मी काय रश्मी काय रश्मी काय रश्मी काय रश्मी काय रश्मी काय रश्मी अरे नौ भाई आगे आ जाओ यार, नौ बात थोड़ा सा इधर में आना, कैमरा खाली कर जरा, नौ भाई सही बोल रहे हैं, अमित भाई बाद में करते हैं ना, मोबाइल खाली है, खाली कर दो, खाली कर दो, अमित अमित नौ भाई सर, नौ भाई अरे बाबा खाली बात नहीं, उद्धव सर, उद्धव सर थोड़ा तोड़े थोड़ा बाहर आ पोस्टर से, अरे ओ काका ओ वाइट शर्ट नवाज भाई थोड़ा बाहर आ पोस्टर से, थोड़ा आगे आ भाई और बाहर करो कंबल ये मोबाइल मोबाइल ये मोबाइल वाइट शर्ट वाइट शर्ट मोबाइल खाली बस ये मोबाइल ए वाइट शर्ट चाइना मोबाइल खाली।
सेना अध्यक्ष उद्धव जी ठाकरे साहब का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ स्वागत करना चाहूंगी रश्मि ताई ठाकरे जी का। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, डंके की चोट पर अपनी बात को कहने वाले सामना अखबार के कार्यकारी संपादक, शिवसेना के नेता और सांसद संजय जी राउत का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ऑफ कोर्स द मैन, द फोर्स बिहाइंड दिस ग्रेट फिल्म। स्वागत करना चाहूंगी हुनर की खान दोस्तों, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे साथ हैं प्रतिभावान अधिक अदाकारा दोस्तों, जोरदार तालियां होनी चाहिए अमृता राव जी के लिए भी। साथ ही स्वागत करना चाहेंगे कार्निवल ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर श्रीकांत भासी साहब का, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसी के साथ स्वागत करना चाहूंगी वाईकॉम 18 स्टूडियोज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री अजीत अंधारी जी का। तो थोड़ी जोर शोर से तालियां हो जाए। और सभी हमारे यहाँ जो मीडिया पर्सन हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देवियों और सज्जनों, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, नाम सुनते ही एक सन्नाटा सा छा जाता था। जी हाँ, ये उनकी आवाज का दमखम था कि उनके आने की सिर्फ भनक, उनके आने की सिर्फ एक आहट, और कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए हमारा दिल थम सा जाता था। बाला साहेब जी की जब एंट्री होती थी ना, तो तालियों की जो गर्जना होती थी, ऐसी गर्जना शायद बादलों की गर्जना उससे उसकी तुलना की जा सकती है। फिर ये कहा जाता है कि बादलों की तुलना दोस्तों, बादलों की जो गर्जना है वो भी कहीं ना कहीं पानी कम चाय लगती थी। तो शायद ये वो एंट्री थी जो हम सबको याद रहती है दोस्तों। उनकी एंट्री के दौरान जो नारे लगते थे, उसमें सबसे यादगार जो नारा था, तो मैं आप सभी का इसमें साथ चाहूंगी, कोण आला रे कोण आला। थोड़ी सी वो दमखम यहां भी होना चाहिए, कोण आला रे कोण आला। जी हाँ, यही वो नारा है जो कहीं ना कहीं आज भी हम सभी के जहन में गूंजता है। तो दोस्तों, घबराइए नहीं। जी हाँ, उस गर्जना को एक बार फिर आप सभी सुनेंगे इस रूपले पर्दे पर, जिसके लिए हम सभी आतुर हैं। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि जब बालाजी थे दोस्तों, तो ऐसा लगता था कि हमारे असली पिता के साथ कहीं ना कहीं एक और पिता हमारे पीछे खड़े हैं, कहीं ना कहीं एक माँ की ममता हमारे साथ चल रही है। और उनके जाने के बाद एक सूनापन सा फैल गया। शायद दुनिया की कोई भी ताकत इस खालीपन को अब भर नहीं सकती है। और कहीं ना कहीं उनके जो उसूल हैं, उनकी जो निर्भयता है, हमारे जीवन में, हमारे दिलों में घर कर चुकी है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जी हाँ, उनके जीवन के कुछ बहुत ही खूबसूरत अंतरंग पल को ये फिल्म दर्शाती है। और इस फिल्म में, इसके अलावा इस फिल्म के पिटारे में क्या क्या है, हम सब इस सब को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। तो दोस्तों, बाला साहेब के बारे में कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है हम सभी में। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए, जी हाँ, रियल लाइफ में उनको उतारने के लिए, और रियल लाइफ में जो हमेशा उनके साथ रहे, उनके समक्ष रहे, आज वो सब यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हैं। तो चलिए पहल करते हैं, शुरुआत करते हैं कि अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी वाईकॉम 18 स्टूडियोज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री अजीत अंधारी साहब को। बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मेरा जो सवाल आपसे है वो ये है कि आनी डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर, पहले वो फिल्म और अब बाला साहेब के जीवन शैली पर ठाकरे ये फिल्म, आखिर इन सब की वजह क्या है, थोड़ा सा रोशनी डालेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो सबका स्वागत और खासकर श्री उद्धव ठाकरे जी का स्वागत, जो सपरिवार यहाँ पधारे हैं और इस कार्य में सम्मिलित हुए हैं, या ये कहा जाए कि इन लोगों ने हमें इस कार्य में सम्मिलित किया है। क्योंकि ये जो सब मेहनत है संजय जी की है, अभिजीत जो हमारे कलाकार, नवाज, अमृता, सभी लोगों की मेहनत है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस सफ़र में, इस प्रवास में जुड़ गए। और ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि वाईकॉम के लिए ये जो फिल्म है, ये दो लैंग्वेजेस में पहली बार एक साथ रिलीज़ होगी। हमने ये पहले कभी नहीं किया है। तो ये फिल्म हिंदी और मराठी दोनों में एक वक्त सिनेमाघरों में देखी जाएगी।
तो ये बड़ी एक अच्छी बात है हमारे लिए, यूनिक बात है। दूसरी बात ये कि ये हमारे स्टूडियो के लिए 75th फिल्म है, 75वीं फिल्म, और हमारी 10वीं मराठी फिल्म। तो इन दो माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करने के लिए इससे ज़्यादा अच्छा खूबसूरत सब्जेक्ट, इससे ज़्यादा इंस्पायरिंग सब्जेक्ट शायद ही हमें मिलता। तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टनरिंग विद अस। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू कार्निवल, श्रीकांत इज हियर, सुनील इज हियर, थैंक यू ऑल वेरी मच। फिल्म इज अ वेरी बिग टीम वर्क, इट्स अ वेरी बिग टीम प्ले, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट वॉट वी हैव हियर। ऑफकोर्स देर इज अ बिग जर्नी विद नवाज दैट वी हैव हैड, एंड यू वर टॉकिंग अबाउट आर जर्नी इन मराठी, काशीनाथ घाणेकर। नाउ व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ मराठी फिल्म्स, वी सेड वी शुड bring out characters, personalities, which we all celebrate daily. So why do we go and look for fiction stories and new stories when there are such cinematic characters that exist and such stories that already are there, you know? But doing this film is also a huge responsibility, because as you said, you used the word, you know, chai mein pani kam, you know, with Bala Sahib Thackeray, anything that you do, the standards are so high, the bar is so high that it's almost embarrassing that you are going on this venture. So I would really want to compliment Nawaz, who has dared to, you know, roar like the tiger here. And I think it's a very ambitious venture for us, and we are so looking forward to it. Thank you so much. It was a pleasure talking to you, sir. Kindly take your seats. So ladies and gentlemen, thodi zordar taaliyan ho jaye, and bahut hi insightful ye beginning rahi hai. Aur chaliye isi ke saath, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हाँ, द मैन द फोर्स बिहाइंड इस प्रोजेक्ट पे, दोस्तों आप सभी की तालियां चाहूंगी। और हम सब जानते हैं कि ना ही वो सिर्फ एक शिवसेना के नेता हैं, लेकिन बाला साहेब जी के बहुत ही करीब रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के बीच, लेट्स हियर इट फॉर श्री संजय राउत जी। तो जोरदार तालियाँ हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हेलो, बोलिए। तो आपसे तो जितना भी कुछ पूछा जाए शायद वो कम होगा, क्योंकि जिस तरीके का आपका एक अटूट रिश्ता रहा है बाला साहेब ठाकरे जी के साथ। लेकिन मैं कम बोलता हूँ इस बारे में, चलिए हमेशा मेरे मन में रखता हूँ। आज थोड़ा सा कुछ आपसे सुन लिया जाए। बताइए कि क्या विजन रहा है आपका इस फिल्म के पीछे। देखिए, बाला साहेब ठाकरे जैसी महान व्यक्ति इतिहास में बार बार पैदा नहीं होती। जिसे हम अमर कहते हैं, वो अमरत्व तो बाला साहब के पास ही रहा हमेशा, आज भी है। और जब मैं उनके साथ जब देखता हूँ कि मेरा उनके साथ जो प्रवास रहा वो बहुत ही रोमांचक रहा। बाला साहब में एक ऐसी शक्ति थी कि उनके आसपास आने वाले किसी भी सामान्य व्यक्ति को असामान्य बना देते थे। कोई भी सामान्य व्यक्ति उनके साथ है, वो शूर बना देते, उनको वीर बना देते, उसको असामान्य बना देते। कि मैं बाला साहब के साथ काम करता हूँ या उनके साथ मेरा रिश्ता है, उसका मतलब है आप असामान्य हैं। तो बहुत से सामान्य व्यक्तियों को असामान्य बनाने की ताकत हमेशा बाला साहब में रही, वो मैंने नज़दीक से देखा है, महसूस किया है। एक शक्ति थी, आज भी वो शक्ति हमारे साथ है। दोस्तों शायद यही वो बातें हैं जो बहुत ही उभर कर, बहुत ही निखर कर, जिस तरीके का आपका ये जो ख्याल है, जो एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं इस वक्त, ये सब कुछ इस फिल्म में बहुत कोशिश किया है मैंने। देखिए, बाला साहब जैसी व्यक्ति या महान व्यक्ति को 2 घंटे में या 3 घंटे में आप पर्दे पर नहीं बना सकते हो, नहीं उतार सकते, जिसे आप लार्जर देन लाइफ कहते हो, उनसे भी बड़े थे बाला साहब। जो उनके साथ रहे वो महसूस करते थे, वो जो नहीं रहे वो ज़्यादा महसूस करते बाला साहब के बारे में। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक छोटा सा हमने कोशिश की है बाला साहब को लोगों के सामने फिर एक बार। देखो, हम जो कहते हैं कि बाला साहब शेर थे, हमने जंगल में बहुत शेर देखे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन आज भी बाला साहब हमारे बीच नहीं है, फिर भी लगता है कि शेर है, शेर अभी जिंदा है। तो दहाड़ हम सब सुन सकते हैं एक बार फिर। सुनेंगे, इतिहास में वो दहाड़ कोई मिटा नहीं सकता है। बिल्कुल, ठाकरे का मतलब ही है कि दहाड़ है, गर्जना है,
और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनके बारे में भी, सर हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनके बारे में भी आप चंद शब्द कह दें। नहीं नहीं, मैंने कहा कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं इस फिल्म के, उनके बारे में भी अगर आप चंद शब्द कह सकते हैं तो। मिस्टर पानसे, अभिजीत को मैंने बहुत बचपन से देखा है, और जैसे अजीत अंधारे जी बोल रहे थे कि एक बहुत बड़ा वेंचर है, जब मैंने उसकी शुरुआत की तब मेरे साथ कोई आने को तैयार नहीं था। बहुत से डायरेक्टर्स या और मेरे पास, नहीं नहीं अरे बाला साहब की फिल्म पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं करूँगा। मैं बड़े बड़े डायरेक्टर के पास गया था, लेकिन फिर मुझे अचानक अभिजीत याद आया, बोला ये है कोई मेरे साथ नया लड़का काम करेगा। अभिजीत ने भी बाला साहब को देखा है हमेशा, और अच्छा, बहुत अच्छा काम किया है अभिजीत ने। डायरेक्टर क्या होता है, बाला साहब की भूमिका हो या माँ साहब की भूमिका अमृता जी ने की है या नवाज भाई ने बाला साहब की भूमिका की है, अपने आप बाला साहब अंदर आ जाते हैं। लेकिन माँ साहब को लाना थोड़ा कठिन था, क्योंकि उनका कोई रेफरेंस ही नहीं है माँ साहब का। बाला साहब के तो बहुत रेफरेंस है, अपने भाषण देखे हैं, सब देखे हैं, लेकिन माँ साहब का कोई संदर्भ नहीं रहा। तो सबसे ज़्यादा कठिन काम अमृता ने किया है ये माँ साहब का। तो अभिजीत ने मेरे साथ, अभिजीत मेरे साथ जुड़ा है पहले से, स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर स्टोरी तो मैंने बनाई, मैं बाला साहब को ज़्यादा देखा है, लेकिन ये सब जो कलाकार मेरे साथ जो क्रू था उनमें बाला साहब लाना बहुत ज़रूरी था। हमने कोशिश की, अभिजीत ने बहुत मेहनत की है। नवाज भाई को मैं बहुत उनका फैन रहा हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि नवाज भाई को आपने बाला साहब का रोल कैसे दिया, एक लंबी कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। गुजारिश करती हूँ कृपया करके आप अपना स्थान ग्रहण करें, और चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ कार्निवल ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर श्रीकांत पासी साहब को। बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ इस मंच पर। तो आपके लिए तो मेरे पास एक ही सवाल है कि पहले तो सचिन या बिलियन ड्रीम्स, और इसके बाद ये सिक्सर, तो कैसे सोचा आपने ये सब कुछ? नहीं, दोनों अलग अलग। सबसे पहले नमस्कार सबको। मैं शुक्रगुजार हूँ उद्धव जी ठाकरे साहब का और संजय जी रावत जी का कि उन्होंने हमको अपॉर्चुनिटी दिया इस मूवी में एसोसिएट होने का। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। दोनों अलग अलग पिक्चर हैं, अलग अलग जॉनर के पिक्चर हैं, मूवीज़ हैं, और एक खेल के ऊपर है, और ये जो है ये हर एक इंडियन, अगर आप भारतीय हैं तो ये उनके लिए मूवी है। और ये मैं ये बता दूँ आपको कि ये मूवी हमारे लिए, ये मूवी से बढ़कर है। ठाकरे जो है हमारे लिए मूवी से काफ़ी बढ़कर है, शायद ये एक एहसास है हम सभी लोगों के लिए। करेक्ट, एक रेफरेंस भी है। आप ये मूवी देखने के बाद में ये एहसास करेंगे, जितने भी यूथ हैं हमारे यहाँ के, इंडिया के जितने भी यंग जनरेशन है, वो हो सकता है नहीं, आई एम श्योर कि वो इसको रेफरेंस के तौर पर, क्योंकि जब आपके यहाँ पर प्रॉब्लम आता है, हाउ कॉन्फिडेंट, हाई वॉट डिटर्मिनेशन से आप इसको सॉल्व करते हैं, ये आपको इस मूवी में मिलेगा। एक सीख भी उसके साथ हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। इट्स प्लेजर स्पीकिंग टू यू। और चलिए दोस्तों, इस सितारे के बारे में जितना भी कहा जाए कम होता है, क्योंकि जब भी इन्होंने किसी भी किरदार को निभाया है तो वो किरदार को उन्होंने अमर कर दिया है। लेकिन आज एक अमर किरदार को ये निभाते हैं। दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ इस मंच पे स्वागत करना चाहूंगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का। बहुत बहुत स्वागत है नवाज भाई। तो आपके लिए, जैसा मैंने कहा कि हर किरदार जब आप उसका रोल निभाते हैं तो उसको अमर कर देते हैं, और अब इस अमर किरदार को आप निभा रहे हैं, तो क्या भावना रही है और आपकी, और क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो नमस्कार सबको, और थैंक यू राव साहब
पहली बार जब मैंने ये न्यूज़ सुनी और ये कि ये रोल मैं कर रहा हूँ, और मुझे यकीन नहीं हुआ अपने अपने आप पे। फिर हम लोग नीचे गए जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, तो उसके नीचे गए और मेरी लाइफ का आई थिंक सबसे ग्रेट मोमेंट था वो। हम लोग तीन साथ में थे, मैं, ब्रदर और मेरा अनूप। तो मेरी खुशी वो उनको मालूम होगा कि कितना खुश हुआ था मैं, और क्योंकि इसलिए खुशी हुई कि आई थिंक मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग रोल था। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इतना और जैसे जैसे टाइम आता गया कि मैं नर्वस होता गया क्योंकि मैं किस तरीके से कर पाऊँगा, ये रोल कैसे करूँगा। आई थिंक और वो सारी जो मेरी परेशानी, जो मेरे साथ मिलके मुझे सपोर्ट किया, वो अभिजीत ने, और फिल्म के दौरान भी जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने बहुत ही ईज करते चले गए मुझे और एक कॉन्फिडेंस देते चले गए, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। मैं बस यही कहना चाहूँगा, बहुत बड़ी बात है कि मुझ जैसे एक्टर को ये कैरेक्टर मिले, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। थैंक्स टू उद्धव जी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, राव साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने कोशिश की है कि मैं इसको अप टू द मार्क करूँ, क्योंकि बाड़ा साहब की जो पर्सनैलिटी है वो इतनी वास्ट है, इतनी बड़ी है कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं वहाँ तक पहुँचने में, और वो चंदी लम्हों में आपको एक उसका छोटा सा एक ग्लिम्सेस कुछ दिखाई देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए अब आपको उनसे मिलवाते हैं जिन्होंने बहुत ही एक अहम किरदार निभाया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा किरदार जिनके बिना बाला साहेब का जीवन बिल्कुल अधूरा होता। वो उनकी अर्धांगनी, उनकी पत्नी, और आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं मीता ताई ठाकरे की बात कर रही हूँ। तो दोस्तों आइए स्वागत करते हैं यहाँ पर स्टेज पर हमारी अदाकारा अमृता राव जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अमृता जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि हमारे जो स्पीचेस हुए हैं उसके दौरान, जैसा कि राउत साहब ने कहा कि ना कोई रेफरेंस था, कहीं हम बहुत ज़्यादा जानते नहीं थे, हम उनकी स्पीचेस नहीं थी, तो किस कितना कठिन था आपके लिए और किस तरीके से आपने इस किरदार को निभाया और क्या कोशिश रही आपकी और किस तरीके का होमवर्क रहा आपका? सगळ्यांना माझा नमस्कार आणि मीडियाला पण थँक यू टू बी हियर विथ अस ऑन सच अ बिग डे। बिल्कुल सही बोला आपने, माँ साहेब का कोई रेफरेंस नहीं था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैंने एक बार सोचा भी कि आपसे रश्मि जी या उद्धव जी से क्या मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, क्या पता करना चाहिए कि वो कैसी थी, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी। पर मैंने फिर अपना कुछ रिसर्च किया, देखते हैं। और ऑफ कोर्स यू नो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू थैंक माय डायरेक्टर अभिजीत पांडे सर, रोहन मापुस्कर एंड ऑफ कोर्स संजय राउत जी, उद्धव जी, रश्मि जी। दिस इज जस्ट नॉट कास्टिंग, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जब ऐसा रोल आता है, ये एक सम्मान है और ये मुझे मिला है, ये बहुत गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों को हमारा काम पसंद आए। जैसे कि सब ने कहा है, ये आसान नहीं है कि इतने बड़े शख्स पे आप एक फिल्म बना रहे हो, वो भी 2-2.5 घंटे की फिल्म, आसान नहीं है। हमारी कोशिश रही है और आपका साथ मिले तो हमें सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू, यू डूइंग अ लवली जॉब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मित्रों, इतिहास गवाह है कि जब क्रांति का बिगुल किसी ने बजाया तो उसे जेल भेजकर उस बिगुल की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, और अगर ऐसा ना हुआ ना तो शायद वो क्रांति क्रांति नहीं थी। क्रांति के इतिहास को इस युग में जीवित रखने वाले बाला साहेब ने, जब लोग व्यवस्था के सामने चू करने से भी डरते थे, उस वक्त बाला साहेब ने दोस्तों
ताल ठोकर अपनी आवाज बुलंद की और हिंद हृदय सम्राट बनकर सभी के दिलों पर राज किया। आज हर कोई सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, लेकिन एक समय था जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बाला साहेब जी के साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। न जाने कितनों के घरों में हमने बाला साहेब के साथ खींची हुई तस्वीरों की एनलार्ज फ्रेम्स देखी हैं। जब भगवान सामने नहीं होते तब हम हजारों मन्नतें करते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, लेकिन जब वो सामने आते हैं तब जुबान जैसे थम सी जाती है, सिर्फ सर झुकता है। यही होता था बाला साहेब के सामने आने पर। और इसी के साथ दोस्तों, आइए जोरदार तालियों के साथ हम यहाँ इस मंच पर स्वागत करते हैं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव जी ठाकरे साहब का। जय महाराष्ट्र। मेरे पास कोई सवाल नहीं है आपके लिए, सब बहुत कुछ आपसे सुनना चाहते हैं, ये मंच आपका है। और अभी अयोध्या से आए हुए कुछ दिन बीत गए तो हिंदी बोलने की प्रैक्टिस भी मेरी टूट गई बीच में। क्या कहे, आज भी मैं सामने बैठा था और सारे लोगों की बातें सुन रहा था, तो ये पिक्चर तो कितने 2 घंटे की होगी, मैंने तो पूरे 52 साल की पिक्चर देखी है। और एक बात तो सही कहा सारे लोगों ने कि बहुत ही कठिन काम है। नवाज जी, आपने भी बहुत सारे फिल्मों में काम किया है, एक कल्पना के आधार पर कुछ स्टोरी होती है तो एक मैं कहता हूँ थोड़ी तो आसानी होती है, लेकिन एक ऐसा व्यक्तिमत्व 300, 400, 500 साल पुराना नहीं, अभी अभी तक अपने साथ था और आज भी हम मानते हैं हमारे बीच में वो है, और ऐसे व्यक्ति को पर्दे पर उनकी व्यक्ति रेखा साकार करना बहुत ही कठिन काम है। और संजय जी कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, संजय से तुम आमच्या परिवारातले, ये काम करने के लिए कोई तो हिम्मत वाला चाहिए, हिम्मत वाला कोई हो तो ही एक ऐसा काम हो सकता है, और सिर्फ हिम्मत वाला नहीं, बाला साहब के ऊपर दिल से प्यार करने वाला चाहिए। तो ये पूरी जो टीम है बाला साहब के ऊपर प्यार करने वाली, और हिम्मत से जो उन्होंने कुछ पूरे जिंदगी भर उन्होंने क्या दिया। संजय जी, एक बहुत कठिन काम है, जैसे मैंने कहा मैंने तो पूरे 52 साल की पिक्चर देखी है, आपने वो सारा 2 घंटे में अपनी कोशिश की सबके सामने लाने के लिए। मैं तो यही चाहूँगा कि ये फिल्म नहीं है, जिए तो कैसे जिए, जो बाला साहब कहते थे कि जीना हो तो मर्द के जैसे जियो, तो ये जो एक संदेश उन्होंने दिया था वो संदेश इसमें मैं मानता हूँ कि आपने दिया होगा। मैं तो पूरे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि सिर्फ ये फिल्म नहीं, ये जो आपने शिवधनुष्य उठाया है शुभकामना है, और आज तक के पूरे रिकॉर्ड फिल्मों के एक अच्छे तरीके से तोड़ दे, और सिर्फ हमारे देश में नहीं, राज्य तो है ही, सिर्फ राज्य में नहीं, देश में नहीं, विदेश में भी इस फिल्म की चर्चा हो जाए, ऐसी एक शुभकामनाएं देता हूँ, और देखते हैं आगे फिल्म कैसी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर। सिद्दीकी सर प्लीज, अमृता राव जी, अजीत अंधारे साहब सर, कुड वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज, एंड डॉक्टर श्रीकांत सर, बसी सर, कुड वी ऑल्सो प्लीज हैव यू जॉइन अस ऑन स्टेज।
दोस्तों आप लोगों को प्रश्न पूछने का पूरा मौका मिलेगा, गुजारिश है कि कृपया करके थोड़ा सा धैर्य धरें। एंड वील हैव द माइक्स, और अगर आपके क्वेश्चंस हैं सो प्लीज फील फ्री टू पुट फोर्थ योर क्वेश्चंस। सर अगर या ओके यस वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, वहां पर हैं। जितने भी लोग स्टेज पे मौजूद हैं, उद्धव जी, संजय जी, नवाज साहब, अमृता जी, बहुत बहुत बधाई है आपको। ट्रेलर देख के ही रंगटे खड़े होते हैं और महसूस होता है कि हम उस वक्त में पहुंच गए। संजय जी सही हो, संजय सही हो, संजय सही हो, यो ऑन योर लेफ्ट, कोई बात नहीं, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। बहुत बहुत मुबारक आप सबको, ट्रेलर बहुत अमेजिंग है, देखते ही रंगटे खड़े होते हैं और महसूस होता है कि हम उस वक्त में पहुँच गए। संजय जी आपसे मेरा सवाल, पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्या चैलेंज था आपके लिए कास्टिंग, जैसे बहुत लोगों ने कहा स्टेज पे कि बड़ा मुश्किल था लोगों को लाना, और वो कौन डायरेक्टर जिसने आपको कहा? मैं आपका समझा नहीं क्या? नहीं मैं आप पूछता हूँ कास्टिंग का जी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं नवाज साहब का कास्टिंग दो मिनट में किया है। नवाज साहब जो मुख्य भूमिका में है वो तो बहुत चैलेंजिंग रहा। उससे पहले भी जब नवाज साहब का कास्टिंग हो रहा था तो हमारे सामने बहुत से नाम आ रहे थे, बड़े बड़े एक्टर सुपरस्टार्स हैं, लेकिन उनके साथ शूटिंग भी हो रही थी, लेकिन उसमें बाला साहब नहीं मुझे दिख रहे थे। तो मैंने नवाज साहब को बताया कि आपका कास्टिंग कैसा हुआ है। उनकी एक फिल्म थी, मैं जब एक बार फ्लाइट से जा रहा था तो सामने स्क्रीन पर फिल्में लगती हैं, वो फिल्म मैंने पहले भी देखी थी, लेकिन वो फिल्म थी फ्रेकी अली। फ्रेकी अली फिल्म है, फ्रेकी अली जो एक गोल्फ प्लेयर के ऊपर एक फिल्म है। मैं एक बार वापस देखने लगा और मुझे लगा कि ये जो चेहरा है नवाज साहब का, उसको अगर हम कंप्यूटर में थोड़ा दाढ़ी बीड़ी लगा के हमने देख लिया, मैंने और अभिजीत ने और सब ने, तो लगा ये बाला साहब ठाकरे तो बन सकते हैं, लेकिन उनके चाल में ज़रा देखना उनकी चाल कैसी है। तो जब वो गोल्फ के वो मैदान से चलते हैं अपने स्टाइल में वो पूरा किट लेकर, तो मैंने ये चाल में भी दम है उनके। उनके एक बार मैंने बुलाया ताज लैंडस्टैंड में, और मैं उनका चेहरों को नहीं देख रहा था, वो कैसे चल रहे हैं, उनके स्टाइल क्या है चलने की, वो मैं देख रहा था। दो मिनट में उनको बोल दिया कि आप, मैं ठाकरे फिल्म बना रहे हैं और आप बाला साहब ठाकरे हैं। ये दो मिनट की कास्टिंग है। जैसे हमारे डायरेक्टर जी है अभिजीत पान से, उनको भी कहा कि आपको हमको ठाकरे बनाना है और आपको डायरेक्शन करना है। ये हम जो कास्टिंग का जो एक चलता है ना, यहाँ कोई कास्टिंग काउच नहीं हुआ है ना जेंट्स ना लेडीज, ये एक एक मिनट में हमने कास्टिंग कर दिया है। बस ये माँ साहब है, ये कोई दत्ता जी साड़वी है, या हमने हमारे दिमाग में पूरे काश फिट थे, हमने कर दिया। हमको बाला साहब को दिखाना है और उनका माहौल दिखाना है। मुझे लगता है हम थोड़े बहुत उसमें कोशिश की है, अभी आपके ऊपर है। यकीनन आप कोशिश में कामयाब रहे संजय जी। मैं नवाज से जानना चाहूँगा, नवाज जब हम बाला साहब की बात करते हैं तो सरकार राज और सरकार फिल्म याद आती है जो अमिताभ बच्चन साहब ने की थी, और अगर हम वो फिल्मों को याद करें तो जहन में ये आता है कि बाला साहब इस तरह से ड्रेसअप होते थे, इस तरह से रहते थे, लेकिन आप लुक की अगर हम बात करें तो आपको देख के कहीं भी महसूस नहीं होता कि हम बाला साहब को नहीं देख रहे हैं। क्या आपको लगता है ठाकरे से आप बच्चन साहब ने जो किया है उसको ओवरशैडो कर देंगे? देखिए ओवरशैडो तो कोई किसी को नहीं करता, हर आदमी का अपना एक तरीका होता है, मेथड होता है करने का। दूसरी बात यह है कि लुक के अगर जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वो तो वो बहुत डिपेंड, मोस्टली डिपेंड करता है मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर। तो मैं अपना श्रेय मेकअप आर्टिस्ट को नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर जो हम लोगों ने मेहनत की है, और जैसे राव साहब ने बताया कि वो कैसे चलते थे, वो कैसे बातें करते थे, मैनरिज्म, उनका थॉट प्रोसेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए मेहनत लगती है। लुक तो आप, अगर मैं आपको, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मैं आपको दो मिनट में आपको सेम लुक दे दूँ, वो इट इज़ नॉट माई, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें लुक में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज थॉट प्रोसेस, उस वक्त पे जो मोमेंट में बाला साहब हैं और वो क्या सोच रहे होंगे, वो अचीव करना, वो जैसे मैंने बताया वो उसकी कोशिश की जा सकती है, वो हमने की और उसके लिए बहुत मेहनत की।
नमस्कार, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, छोटी छोटी बातें होती है। जैसे मैं शूटिंग में तो बहुत कम जाता था, लेकिन पीछे से देखता था हमेशा क्या चल रहा है स्क्रीन पे। हॉर्निमन सर्कल में शूटिंग चल रहा था, जो आपने देखा ट्राम में बाला साहब बैठ कर जा रहे हैं ट्राम में, और बीच में अंदरों एक गली से भी चल रहे हैं, तो मैंने अचानक देखा कि यार बाला साहब के गले में झोला है। मैंने बोला ये बाला साहब कभी झोला फोला लेकर नहीं घूमते थे, निकाल दो पहला। ये ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी अचानक से, क्योंकि सांप को जिसने देखा है उसको ये समझता है कि ये नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता था। तो ये छोटी छोटी बात भी हमने, बाला साहब नहीं ये इस प्रकार की चप्पल नहीं पहनते थे या उस प्रकार की शर्ट नहीं था उनका, वो तो हो गया बाद में, ठीक है। सर उदय जाधव, पहला प्रश्न साहिबाना है, उद्धव साहिबाना, तुम्हाला ट्रेलर कसा वाटला आणि ह्या सिनेमाबद्दल तुम्ही काही सूचना दिल्या होतात का की सिनेमा हा असा बनला पाहिजे? पहिलं म्हणजे मला कसा वाटला याच्यापेक्षा तुम्हाला सगळ्यांना कसा वाटला, याचं कारण चित्रपट मी एकटा नाही बघणार, संपूर्ण देशच नव्हे तर मी मगाशी सांगितलं की हा चित्रपट जगभर गेला पाहिजे, आणि तो जगभर तेव्हाच जाऊ शकतो की ज्या वेळेला त्याच्यात काहीतरी दम असतो, आणि मला असं वाटतं या चित्रपटात नक्कीच दम आहे, नक्कीच दम आहे। अतिशय नुसत्या मेहनतीला पण अर्थ नसतो, जीव ओतून मेहनत करावी लागते। जसं नवाज भाई आपने कहा की मेकअप आर्टिस्ट तो मेकअप कर लेगा, पण जोपर्यंत त्याच्यामध्ये कलाकार आपला जीव ओतत नाही तोपर्यंत ते व्यक्तिमत्व उभं नाही राहू शकत, आणि मला असं वाटतं अतिशय मेहनतीने जीव तोडून जीव ओतून सगळ्यांनी काम केलेलं आहे। नमस्कार, मैं रेखा खान, नव भारत टाइम से। मेरे दो तीन सवाल हैं। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, बहुत ही सुपर फैंटास्टिक ट्रेलर है, और मैं कह सकती हूँ कि ट्रेलर तो ऐसा है तो फिल्म अभी बाकी है, तो बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले नवाज़, मैं बहुत आपको अभिनंदन कहना चाहूँगी, और मेरा सवाल आपसे ये है कि ये एक बहुत ही, हम सभी जानते हैं कि बाला साहब बहुत ही एक बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे, और उनके बहुत सारे रंग थे, उनके बहुत सारे पहलू थे। आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा पहलू रहा? क्योंकि जाहिर है वो एक इतने बड़े नेता थे, पिता थे, पति थे, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा कौन सा पहलू जीना उनके लिए मुश्किल था? देखिए, उनका तो कोई भी पहलू बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, है ना, उसको निभाना। और स्पेशली जो इनकी स्पीचेस थी, जो ईज़ था उनके पास, टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो जो ईज़ था उनके पास बात करने का, और जो वो उनकी स्पीचेस जैसे आजकल देखा जाता वैसी नहीं थी, बहुत ही कन्वर्सेशनल होती थी, जैसे बात कर रहे हो, जैसे मेरे पास ऑडियंस को ऐसा फील होता होगा उस वक्त पे कि जैसे उनके पास बैठ के उनकी बातें सुन रहे, उनकी उनको उनको बोल रहे हैं वो, कुछ उसको महसूस होता था, ऑडियंस को महसूस होता था, तो वो बातें करते थे, वो स्पीच नहीं होती थी उनकी। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क था एक्चुअली, कि जब वो स्पीचेस हों, एक ईज़ हो और वो बिल्कुल लाइक कन्वर्सेशनल हो। और भी लाइक जैसे सबसे बड़ी बात यह होती कि आप जो कनेक्शन, उनका जो कनेक्शन था लोगों के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट था, और वो हमने कोशिश की है मिलके। तो नवाज़, ऐसा कह सकते हैं कि आप एक बायोपिक स्पेशलिस्ट बन गए हैं। मंटो में आपने बहुत बेहतरीन काम किया, रमन रागों में तो आपने मतलब सबके रोंगटे खड़े कर दिए, और अब ये बाला साहब ठाकरे, तो एक बायोपिक्स में आपकी बहुत एक महारत देखने को मिल रही है। नहीं, महारत तो देखो किसी चीज़ में नहीं होती, मैं कोई परफेक्शन तक पहुंचने की एक वो होती है, बट पहुंचता कोई नहीं है। एक्टर बस पूरी लाइफ यही होती है कि उसको खोजते रहें, डिस्कवर करते रहें, फाइंड आउट करते रहें कि क्या करेक्ट हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए। तो परफेक्शन तो या महारत तो हासिल मैंने की नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कुछ अभी बाकी है। एक सवाल मैं डायरेक्टर साहब से करना चाहूँगी। अभिजीत जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपको, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आमतौर पे हम देखते हैं कि जब बायोपिक्स होती हैं तो उसमें किसी भी किरदार को बहुत ज़्यादा एक हीरोइक अंदाज में दर्शाया जाता है, काफ़ी महिमा मंडित किया जाता है। बाड़ा साहब की पर्सनालिटी तो खैर हीरोइक थी ही हर तरह से, लेकिन हम देखते हैं कि बायोपिक्स में बहुत सारे जो ग्रे पहलू होते हैं वो नज़र नहीं आते हैं, और बहुत बार हमने ऑफ लेट बॉलीवुड में देखी हैं बहुत सारी बायोपिक्स ऐसी हैं जो उस चरित्र, जो उतना लेजेंडरी किरदार थे, उनके साथ में वो इंसाफ नहीं कर पाए। तो इस, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा, तो किस तरह से ये कितना न्याय दे पाएगी, और ये इस चैलेंज को आप किस तरह से पूरा कर पाए हैं?
मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि हीरोइक दिखाने के लिए कोई एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। शुरुआत का जो सेक्शन था वो बाला साहब को कैसे हीरोइक ना दिखा सकते उस पर हमारी मेहनत थी, क्योंकि डे वन से बाला साहब ठाकरे ये पूरे देश के लिए एक हीरो है। और जो बाकी बायोपिक्स में क्या होता है पता नहीं, लेकिन हम लोग बहुत एक रियलिज्म को पकड़ के हम लोग चल रहे थे। उनके जैसे राउत साहब ने बोल दिया था कि 2 घंटे में बाला साहब बैठा ना ये नामुमकिन है, या ऐसा नहीं है कि पूरी बायोपिक हमने पूरी 2 घंटे 2.25 घंटे में दिखाई है, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण उनके देश के बारे में या महाराष्ट्र के बारे में जो महत्वपूर्ण उनके जो किस्से हैं, उनके इंसिडेंट्स हैं, वो दिखाने की कोशिश है, और वो बहुत ही प्रामाणिकता से किए हमने। और इतनी प्रामाणिकता से किए है कि आप सेंसर बोर्ड को पूछ सकते हैं आज सुबह से हमारे ट्रेलर के भी पीछे बढ़े। मुझे एक सवाल प्यारी अमृता जी से ज़रूर करना है। हाय अमृता जी, कैसी हैं आप? आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे मेरा सवाल ये है, आपके लिए ये बहुत ही, जैसे अभी रेफरेंसेस नहीं थे, स्पीचेस नहीं थे, आपके लिए किस तरह का अनुभव था इस किरदार को करना? मेरे लिए एक ऐसे किरदार का रोल करना जो हमेशा उन्होंने कभी फोरफ्रंट में वो दिखाई नहीं दी, वो हमेशा मीडिया शाय थी, और इतने बड़े पॉलिटिशियन की धर्मपत्नी होने के बावजूद उन्होंने कभी भी कैमरा के लिए पोज करना पसंद नहीं किया। उन्होंने हमेशा एक, मतलब उनका एक होमली, और जो उनकी पर्सनालिटी थी, शी वाज ऑलवेज ट्रू टू हर पर्सनालिटी। आई थिंक जो भी चीज़ें हुई उनसे उन पे कोई ऐसा असर नहीं हुआ। शी वाज स्टिल द बेस्ट होस्ट। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जब भी कोई मातृश्री में गए तो माँ साहिब वॉज द फर्स्ट पर्सन जो खुद अपने हाथ से खाना परोसती थी। बिल्कुल, मैंने, और ये मैंने अपने एक अंकल से सुना जो को इंसिडेंटली सम हाउ हैपन टू रीच देयर। तो आई वॉज लाइक ओके, देन वी हैव गॉट द रोल एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये करके एक माँ साहिब की एक पर्सनैलिटी को पर्दे पर उतारना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मराठी में, एक टू कम अक्रॉस कन्विंसिंगली एज महाराष्ट्रियन। आई एम अ कोंकणी, ऑफ कोर्स बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र। तो काफ़ी सारी चैलेंजेस थे, एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट द रेट्रो लुक, द पीरियड लुक। मोस्ट ऑफ द फिल्म विल बी इन ब्लैक एंड वाइट, ये एक पहली बार हम ऐसे देख रहे हैं, तो या आई एम वेरी एक्साइटेड, लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम्स इन द फिल्म। सर संजय राव सर ना प्रश्न है सर, एक सर ठाकरे सिनेमा बद्दल सेन्सॉर बोर्ड ने जे आक्षेप घेतलेत कोणत्या सीन बद्दल सर? आपण ते मराठी स्क्रीनिंग जे आहे ना तेव्हा प्रश्न विचारला, पण ते दूर केले जाणार का काय मध्यम मार्ग काय आहे? स्पेसिफिकली त्याच्यावरती खूप स्ट्रेस होता, एकंदरीत त्याच्यावरच थोडं ऑब्जेक्शन असल्याचं आम्हाला कळत आहे। सेन्सॉर बोर्डचा आजच्या ट्रेलरमध्ये एक जो पोर्शन आहे दाखवलेला त्याच्याबद्दल असावं असं म्हटलं जातं आहे, त्याच्याबद्दल एक तर पहिलं आपलं मत काय या ऑब्जेक्शनबद्दल सेन्सॉरने घेण्याबद्दल, आणि दुसरी गोष्ट या प्रसंगाबद्दलच एकूण आपलं ओपिनियन काय आहे? जे घडले ते घडलेलं आहे, ते लपवण्यामध्ये काही अर्थ नाही। आणि मला असं वाटतं इकडे जर का झटपट निर्णय घेतला जात असेल तर मग एकूण बाबरी या विषयाचा झटपट निर्णय झाला तर अधिक योग्य होईल। अभिजित सर तुम्हाला प्रश्न होता की बाळासाहेबांसाठी सगळ्यात हळवा कोपरा म्हणजे उद्धव साहेब आणि त्याचवेळेला राज साहेब, पण तो कुठेतरी दिसतोय, आम्ही प्रमोमध्ये पण पाहिला, तर हा बॅलन्सिंग ॲक्ट करणं किती कठीण होतं सोपं होतं? अभिजित पणसे यांना प्रश्न आहे। ही कात्री सेन्सॉरपेक्षा जास्त आहे असं तिकडून बोलाय ना, म्हणजे सेन्सॉरची बाधी उद्धव साहेबांचीच होती का? याच्यासाठी फिल्म बघावी लागेल तुम्हाला, आणि घाबरू नका, सिक्वेलची घोषणा ऑलरेडी संजय राऊतांनी केलेली आहे। उद्धव सर आपल्यासाठी हा प्रश्न आहे की लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच हा चित्रपट येतोय, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे हीच सगळ्यात मोठी आठवण आहे सगळ्यांसाठी। रश्मी मी एवढं सांगतो की मला वाटतं एक सेशन आपण वेगळं ठेवलेलं आहे त्यासाठी, हे हिंदी सेशनसाठी आपण ठेवलं होतं। हे सगळे प्रश्न उद्धवजी, मराठी जो आपला जो रिजनल मीडिया आहे
त्याच्यासाठी आपण वेगळं सेशन नंतर ठेवलेलं आहे. आणि मराठीचा ट्रेलर वेगळा आहे पण तुम्हाला मी सांगतो. हॅलो, आपने ट्रेलर देखा है, आपको लगा कुछ हटा है, आपको लगा कुछ हटा है? बाला साहब ठाकरे जैसे थे, जैसे जे, वैसे पर्दे पे दिखेंगे. बाला साहब को ना उस वक्त किसी ने रोक लगाई, ना अभी कोई रोक लगाएगा. उद्धव जी, नहीं नहीं, अभी पिक्चर की बात करें. नहीं, मैं आज तो पिक्चर की बात करेंगे. नमस्कार. और वो जो बात है वो मैदान में करेंगे. सर अभिजीत जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है, मेरा सवाल आपसे है, यहाँ सामने जी. मेरा प्रश्न आपसे ये है कि सभी लोग यहाँ सेंसर बोर्ड की बातें कर रहे हैं, हम दरअसल जानना चाहते हैं कि आखिर किन किन चीज़ों पर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई है, क्या क्या चीज़ें आई हैं निकल करके, और आप उसका क्या निष्पक्ष निकालना चाहते हैं, आप क्या रिजल्ट निकालेंगे. उद्धव जी, एक बार आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने भी ट्रेलर देखा, आपने भी देखा कि क्या क्या इश्यूज आए, प्लीज़ आपका ओपिनियन. नहीं, जब भी फिल्म आ जाएगी तभी आप देख लेंगे, जैसा हमारे निर्माता ने कहा. बाला साहब जैसे थे जी वैसे ही दिखेंगे जी. और सेंसर बोर्ड के ऊपर सेंसर यहाँ पे है. उद्धव जी, एक आखिरी सवाल मेरा. उद्धव जी, देखिए, इस सेंसर बोर्ड की इतनी सारी बातें हो गई, आप जरा गौर कीजिए. यहाँ परिवार बैठा है जो जिनके ऊपर फिल्म है, उनसे जुड़ी फिल्म बनाई है. हमने कई बार इस तरह के बायोपिक्स बनाए हैं. तो इसमें एक बड़ी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि भाई आपका जो अटैचमेंट और प्यार है वो तो हो, लेकिन वो फ्रीडम भी हो कि आप वो सब्जेक्ट कह सकें. और उसका क्रेडिट मैं संजय जी को दूंगा, क्योंकि वो फ्रीडम, वो ब्लेसिंग जो परिवार का है वो उनके साथ था, और उन्होंने वही रियलिज्म, जेन्युइन स्टोरी, जो व्यक्तिमत्व थे वो व्यक्तिमत्व पिक्चर में उतारे हैं. इसमें कोई वाइट वॉश नहीं है, या कोई ऐसी कोशिश नहीं है कि उन्हें किसी और थोड़े सॉफ्टर तरीके से पेश किया जाए. तो जो उनका जीवन था, जो शैली थी जिससे लोग प्रभावित होते हैं, जो उनके फैंस होते हैं, इंस्पायर होते हैं, वही चीज़ अभिजीत ने किरदार में उतारी है. उनकी फ्रीडम इन लोगों ने दी और उन्होंने उसको परफॉर्म किया. तो यही आप सब देखेंगे. संजय जी, मेरा हेलो. संजय जी, मेरा सवाल आपसे है. संजय जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, बोले जी. मेरा सवाल आपसे है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था कि आप बताएंगे हल्के हल्के और सिक्वेंस आते रहेंगे, जो भी हमने ट्रेलर में देखा वो बहुत रियल स्पेस में है. बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट की हम बात करते हैं, वो आपने दिखाया. अब क्या फिल्म के अंदर संजय दत्त की जब मैं बात करता हूं उनका भी जिक्र होगा? क्योंकि मैं उस वक्त सुनील दत्त साहब के साथ अगर किसी ने साथ दिया था तो बाला साहब ने दिया था. हमको लोगों को पिक्चर दिखाना है. नहीं, अगर क्योंकि वो भी एक हिस्सा रहेगा क्या संजय जी? हमको आप पिक्चर देखिए, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जहां बाला साहब ने ही सुनील दत्त साहब का साथ दिया. ये सवाल नहीं है फिल्म के बारे में. संजय जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि आप लोगों ने खुद ही मेंशन किया कि आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत की फिल्म बनाने के लिए. yeah. और कोई भी जो फिल्म बनाने के लिए काफ़ी टीम वर्क लगती है, चाहे वो टेक्नीशियन हो, मेकअप हो, हर कोई टीम वर्क करता है. लेकिन जब कोई लोग ट्रेलर देख के फिल्म को बैन करने की मांग करते हैं, जैसे कि अभी नवाज जी भी है इस फिल्म में, तो आपको क्या लगता है कि ट्रेलर देख के फिल्म को बैन करना या रस्ते पे आ जाना, क्या ये सही बात है? उद्धव जी, आपका भी इस पे रेस्पॉन्स. देखिए, यहाँ सवाल कहाँ पैदा होता है बयान करने का? ये ठाकरे है और ठाकरे ने सबको, देखिए ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी ने बहुत लोगों को बयान किया था. अब भूल गए बाला साहब को क्या इतने जल्दी? देखिए, ये एक अच्छी फिल्म बनी है. उद्धव जी ने जिस प्रकार का फ्रीडम हम सभी को दिया था, उनका ब्लेसिंग हमेशा रहा, बाला साहब का भी रहा. एक टीमवर्क था. जैसे अभी संदीप रावड़े जी भी हमारे, कहाँ है संदीप रावड़े, आर्ट डायरेक्टर, वो पूरा माहौल जो बनाया था वो हमारे आर्ट डायरेक्टर संदीप रावड़े जी का काम है. बहुत बड़ा काम रहा. पूरा पुराना शिवसेना भवन आपने देखा होगा, आज नहीं है. बहुत सी बातें हैं जो रावड़े जी ने की है. तो ये टीमवर्क है. विशाल कहाँ है? विशाल, हाँ विशाल, VFX मैन. बहुत लोग है, ये कोई मेरा अकेले का काम नहीं है. रोहन भी दिख रहा है मुझे, म्यूजिक डायरेक्टर. अभी म्यूजिक लॉन्च हो जाएगा 8 जनवरी को, आप उनकी भी कमाल देख लीजिए.
मनोज यादव कहाँ है? मनोज, ये पूरा जो लिरिक्स है या हमारा पूरा डायलॉग्स है ये मनोज जी का है। हाँ, तो ये टीम वर्क है और टीम वर्क रहेगा। उद्धव जी, नहीं एक मिनट, अजून दोन नाव बाकी आहेत, या इकडे। ये दुसरी कुठे? उर्वशी, पूर्वशी, पूर्वशी आणि विदिता। विदिता कुठे? मी मागे पण बोललो होतो की खऱ्या चित्रपटाच्या निर्मित्या ह्या आहेत। संजय ह्या दोघींनी संजयला काम दिलं होतं। नाही असं नाही, तुम्हाला कल्पना असेल नसेल कल्पना नाही मला, पण ह्या संजयच्या दोन्ही मुली मला खरंच कौतुक आहे, कारण लहानपणापासून बघतोय आणि ज्या वेळेला प्रथम मी ह्या चित्रपटाच्या निमित्ताने त्यांना भेटलो मला म्हणजे खरंच आश्चर्य वाटलं की ह्या एवढ्या मोठी जबाबदारी कशा काय पार पाडू शकतात। पण अतिशय बारकाईने त्याच्यामध्ये लक्ष देऊन, मग म्युझिक असेल, चित्रपट एकूण सेट असेल, सगळ्याच गोष्टी, तुमच्या दोघींची खरी कमाल आहे। संजय जी, अरे कोण मला की मला वाटतं तुम्हाला सगळ्यांना चित्रपट पाहण्याची जास्त घाई झाली, कारण तुम्ही अख्खा चित्रपट त्याच्याबद्दल प्रश्न विचारून समजून घेण्याचा प्रयत्न करताय, तर जरा थांबा, लवकरात लवकर येतात 23 जानेवारीला। संजय जी, उद्धव जी अँड नवाज अँड फ्रेंड्स, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, सो वी विल जस्ट कीप इट लिमिटेड टू वन क्वेश्चन, और जिसके बाद 4:30 हमारा मराठी ट्रेलर है, और जैसा कि हमारे सभी लोग ने माने अतिथियों ने यहाँ स्टेज पे बताया कि वहाँ पे बहुत कुछ आप लोगों को पूछने के लिए मिलेगा, तो बस एक आखिरी प्रश्न। ओके संजय जी, यहाँ पे जो एक जो आप सेंसर बोर्ड की जो आप बात कर रहे थे, इट्स जो आप लाइफ की बात कर रहे, ऑब्वियसली द फैमिली बता पाएंगे कि उनकी लाइफ कैसे दिखाई जाएगी, सही है कि गलत है, सही है क्या गलत है, नहीं नहीं वो सही बात है, वो सही बात है, नहीं नहीं वो सही बात है जो आपने बोले। मैं जो पूछ रही हूँ कि सेंसर ने जो बताया है कि देयर आर सम थिंग्स दैट आर पोलराइजिंग इन इट, जो उनको शायद नहीं दिखाना चाहिए, क्या एक तो क्या ये बात सही है, दूसरी अगर सही है तो इस पे आपका क्या विचार है? क्या सही है क्या गलत है बाला साहब के बारे में, बाला साहब के बारे में खासकर क्या सही है या गलत है, ये तय कौन करेगा? सर पोलराइजिंग वर्ड्स, पोलराइजिंग सेंटेंसेस और समथिंग लाइक दैट आर सीरियस, एस्पेशियली बिकॉज़ दिस फेम इज कमिंग बिफोर द इलेक्शन। जैसे पूरे जिंदगी में रहे, ये बोले, बात किया उसने, बाला साहब ने जो विचार दिया, जो भूमिका व्यक्त की, उसे बायोपिक कहते हैं। ये ट्रू स्टोरी है बाला साहब, ये कोई फिल्म की कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। बाला साहब की जिंदगी, बाला साहब की जिंदगी खुले किताब की तरह लोगों के सामने रही, कुछ छुपा नहीं बाला साहब की जिंदगी। और अगर तो सेंसर भी ये जो बातें हैं, सेंसर भी समझ लेगी, थोड़ा समय लगता है बाला साहब का विचार हजम करने में, 50 साल के बाद समझता है कुछ लोगों को। जैसे बाला साहब ने भूमिपुत्रों की बात कही थी 50 साल पहले, तो जो लोगों ने विरोध किया था, अब वही मुख्यमंत्री और वही पार्टी भूमिपुत्र वाली बात कानून बनाकर मध्य प्रदेश में लाना चाहती है। बाला साहब का विचार हमेशा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और पोलराइजिंग, जो पोलराइजिंग जो अगर है कुछ, क्या फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इन सब चीजों का? बहुत बहुत उद्धव जी, एक मिनट। As I said, you know, for us, this is an opportunity, and I said that I'm thankful to Mr. Uddhav Thackeray and Mr. Sanjay Rawat for giving us this opportunity to associate with this, and through this, we are able to know, we are going very close to him, and to get to know more and more things about him.
थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. इसी के साथ मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी, आप सभी लोग अपने अपनी जगह पर बैठे रहें प्लीज. आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, कृपया करके बैठे रहें. इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी पूर्वशी राउत को, वर्षा राउत जी को और विदिता राउत जी को एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए. और रश्मिताई ठाकरे जी से भी गुजारिश है. मी रश्मि वैद्यना विनंती करतो, त्यांच्या हातून एक लहानसं कार्य इथे करायचं आहे. आपण या. और इसी के साथ दोस्तों हम ये पोस्टर रिवील कर रहे हैं रश्मिताई ठाकरे के कर कमलों द्वारा. और थोड़ी तालियों की गर्जना यहां भी होनी चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. और आपको बता दें स्क्रीन टू पे हमारा मराठी ट्रेलर लॉन्च 4:30 बजे के लिए स्केड्यूल किया गया है.